हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज दिव्या। एंड किद्दा हो सारे? आई होप तुसी तब बहुत बढ़िया होगे। तो गाइस, मैं आ चुकी हूँ एक और नया व्लॉग लेके। तो चलते हैं घूमने, गेड़ी मारने और देखते हैं कहाँ जाके रुकते हैं आपा। तो गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। और आप पहले वाले व्लॉग्स भी देख सकते हो, उसमें चैलेंजेस भी हैं, व्लॉग्स भी हैं, वो जाके देख सकते हो, कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, अपनी फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो। चलते हैं। हेलो, प्लीज से हाय। अच्छा, हमको सिखा रही है। हमारे यहाँ एक अंकल बैठे हैं तो ये कह रही है कि उनसे थोड़ा बच के दिखाती हूँ आपको। कौन से अंकल? देखिए देखिए देखिए, देखा देखा, ये मौसम इतना ज्यादा प्यारा हो रहा है ना आज, बहुत प्यारा हो रहा है। तो क्या नाचो? ले आए हैं हम गुरुद्वारे, चलते हैं अंदर दर्शन करते हैं। चलो, अब हम चल रहे हैं सरदार जी मलाई चाप वाले, जो कि यहीं पे है। अबे किधर है बे? और गाइस, अब ये मत सोचना कि मैं आपको फूड का ही दिखाती रहती हूँ। एक्चुअली मुझे जो जो पसंद है मैं सब दिखाऊंगी, फूड ब्लॉगिंग, ट्रैवल ब्लॉगिंग और चैलेंजेस। तो जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ का मैं ब्लॉग बनाती हूँ। तो बस यहाँ के तो मैंने पहले भी टेस्ट किया हुआ है, यहाँ का खाना और यहाँ की चाप एक बार। मैं आपको भी यहाँ के बारे में थोड़ा और बताती हूँ, फिर मैं ऑर्डर कर दूँगा। इनकी जो मेन ब्रांच है वो है दिल्ली सुभाष नगर में, इनकी जो मेन ब्रांच है कि वहाँ से ही इनका आउटलेट स्टार्ट हुआ था। आई थिंक इन्होंने मेंशन भी कर रखा होगा यहाँ पर। देख लो, अवर ब्रांचेस सुभाष नगर, फतेह नगर, जहाँ की मैं बात कर रही हूँ, कालका जी, द्वारका, सिरसा, फतेहबाग, पटियाला, तो हर जगह आपको इनकी ब्रांचेस मिल जाएगी। और इनकी चाप A1 होती है, टेस्ट में 10/10, सीरियसली 10/10। मैं इसलिए नहीं बोली कि मैं यहाँ पे बैठी हूँ, बट इनकी चाप काफ़ी अच्छी होती है। हमें जब भी चाप खानी होती है हमें यहाँ। ये मेरी सिटी में भी है और इनकी जो मेन ब्रांच है, जो मैं बता रही हूँ, मेन ब्रांच है इनकी सुभाष नगर, वहाँ भी गई हुई हूँ मैं गाइस, दिल्ली में, नियर तिलक नगर। आपने अगर सुना होगा तो फतेह नगर में पड़ता है इनका सरदार जी मलाई चाप वाले, वहाँ से इनका आउटलेट स्टार्ट हुआ था। यहाँ मैं आज फर्स्ट टाइम नहीं आई हूँ, यहाँ मैं ऑनेस्टली बोलूँगा मैं काफ़ी बार आ चुकी हूँ, क्योंकि यहाँ की चाप बहुत पसंद है हमको। तो हमने सोचा ठीक है कुछ हेल्दी होती है चाप की खा ली जाए। और यहाँ का मेन्यू बहुत ही अलग है, मतलब आप यहाँ का मेन्यू देख के ना थोड़ा सोचोगे कि यहाँ नॉनवेज भी मिलता है, लेकिन यहाँ नॉनवेज नहीं है। सब झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। है मतलब है, नॉन वेज को इन्होंने वेज में कन्वर्ट कर रखा है। लाइक ये देखो, कीमा, स्पेशल वेज फिश, स्पेशल KFC, कीमा कलेजी। तो ये सब सुनने में तो लग रहा है कि नॉन वेज होगा, लेकिन ये सब नॉन वेज नहीं है, वेज है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। तो गाइस, अगर आप रहते हो इनमें से किसी भी सिटी में तो आप आगे एक्सप्लोर कर सकते हो। भैया मुझे देखते जा रहे थे कि मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर हूँ। गाइस, आई एम अ यूट्यूबर। अब तभी रेड रेड डेल के आई है। आई एम अ यूट्यूबर। आ चुकी है हमारी चाप। मैं दिन में तो लेग डे करती हूँ, बैक का वर्कआउट, आज मैंने बायोट ट्राई किया, बायोट बाइसेप्स सबर करा ट्राइसेप्स की, तब मैं चाप खाने आ गई। अभी खाने पर आ गए हम, खा पी के पेट फुल। तो गाइस, आज है मेरे भैया भाभी की 7th month एनिवर्सरी, तो उनके लिए केक ले लेते हैं। यार क्या हो गया?
क्या है इसमें, क्या फ्लेवर सिलेक्शन? ठोक दीजिए महाकाल का, दबा कर लाकर ठोक दीजिए। 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।